हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि आज मैं अपने गार्डन में हूँ और मेरे गार्डनर भी आए हुए हैं। ये देखिए, जैसे कि आप जानते हैं सब कि अभी गर्मी और धूप बहुत तेज़ चल रही है, तो अभी मैंने भैया को बुलाया था। मैंने कहा ये ग्रीन वाला पर्दा पड़ा हुआ है तो लगा देंगे, तो अभी वही सब चल रहा है, वही लगाने की कोशिश हो रही है। पेड़ों को बचाने के लिए थोड़ा सा बहुत सारे पेड़ मेरे पौधे काफ़ी ख़राब हो गए हैं यहाँ पे। ये देखिए पूरी मतलब घास ही ख़राब हो गई, और एक पाम का एक बहुत बड़ा पेड़ भी लगा रखा था वो भी ख़राब हो गया है, क्योंकि कुछ दिन में यहाँ थी नहीं तो पानी वानी डाला नहीं गया, इस वजह से काफ़ी हालत अभी इस बार ख़राब हो गई गार्डन की। तो अब बारिशें होंगी जैसे वैसे थोड़ा सा इसको वापस से मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। काफी बड़ा है क्या है? फिर वो ऐसे ऐसे लगा देते हैं यहाँ तो। नहीं, लेकिन लंबाई काफी ज्यादा है ना, चौड़ाई में तो ये कवर कर लेगा। फिर बाकी का खराब ना जाए ना, ये प्रॉब्लम है। जितना बचा रहेगा लटकता रहेगा, खराब जाएगा। तो इसको फिर अंदर की साइड थोड़ा फोल्ड करना, ताकि कुछ आंधी बांधी आए ये गिरेंगे ना पत्ते वत्ते, फिर इकट्ठे हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं रहेगा। क्योंकि जयपुर में वैसे भी कम ही आती है ना बारिशें। हाँ, यहाँ बस आंधी आकर चली जाती है। मैं कल देख रही थी, मैंने कहा बोला था कल आओगे। ये देखिए नेट लग गया है इस तरह से, पेड़ पौधों को थोड़ा सा छाया में करने के लिए। हर साल वैसे मैं लगाती हूँ, बट कुछ दिन के लिए मैं यहाँ थी नहीं तो पानी वानी मेड ने नहीं दिया, इस वजह से सारे पेड़ पौधे भी मेरे काफ़ी ख़राब हो गए। बट अब क्या कर सकते हैं, गर्मी ही इतनी पड़ रही है, लू इतनी चल रही है कि कुछ कर ही नहीं सकते इसके लिए। थोड़ा सा मौसम खुलेगा फिर से, बारिश वारिश शुरू होगी, तो फिर देखते हैं इनको मेंटेन करते हैं वापस से। तो यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी अपने घर में अपने पेड़ पौधों को बचाने के लिए कुछ इस तरीके से उपाय किए होंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।